हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग सेक्शन 144 लॉकडाउन कर्फ्यू के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ है। सबसे पहले जब न्यूज़ में आया था 24 मार्च 2020 को, जब नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था। बिहार में अभी लॉकडाउन एंड कर्फ्यू दोनों चल रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसको समझ लेते हैं कि तीनों में क्या अंतर होता है, कब कब लगाया जाता है, क्या इसका ग्राउंड होता है। मान लीजिए कि जो सेक्शन 144 है, ये छोटा भाई है, उससे बड़ा भाई लॉकडाउन है, और सबसे बड़ा भाई क्या है, कर्फ्यू है, ठीक है। अगर किसी जगह शांति बहाल करना है तो सेक्शन 144 लगाया जाता है। अगर इससे भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब होता है तब लॉकडाउन लगा दिया जाता है और मूवमेंट को रोक दिया जाता है, ठीक है। और कर्फ्यू में क्या होता है, लोगों को घर में ही रख दिया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्शन 144 के बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। वार्डर कौन इश्यू करता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा वार्डर इशू किया जाता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट या सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, ठीक है। इसका ग्राउंड क्या होता है, कब इसको लागू किया जाता है, उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, ठीक है। अगर लगता है कि लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डेंजर है तब इसको लागू किया जाता है, ठीक है। दंगा फसाद में अगर बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा है तब लागू किया जाता है, ठीक है। पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, ठीक है, यानी पब्लिक की शांति के लिए इसको लगाया जाता है, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में हर राज्य कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए सेक्शन 144 लॉकडाउन कर्फ्यू को लागू कर रहा है। जैसे अभी बिहार में लॉकडाउन एंड कर्फ्यू दोनों चल रहा है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन ये क्या करता है, मूवमेंट करता है, ठीक है। यानी छुआछूत का ये बीमारी है, जिस वजह से लॉकडाउन लगाया जाता है, सेक्शन 144 लगाया जाता है, कर्फ्यू लगाया जाता है, ताकि क्या किया जा सके, उसके जो मूवमेंट है उसको रोका जा सके, ठीक है, ब्रेक किया जा सके, जो उसका साइकिल है उसे तोड़ा जा सके, ठीक है। तो अभी बिहार में लॉकडाउन एंड कर्फ्यू चल रहा है। तो सबसे पहले हम लोग सेक्शन 144 को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। जब सेक्शन 144 लागू होता है तो अनलॉफुल असेंबली को रोका जाता है। कांट गेदर 5 एंड मोर देन 5, मीन्स 5 या 5 से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी 4 लोग तक एक जगह पर जमा हो सकता है, लेकिन 5 या 5 से ज़्यादा लोग जमा नहीं हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ ओपन रहता है, ओपन एसेंशियल कॉमोडिटी, ठीक है, जैसे फूड शॉप्स, हॉस्पिटल्स, ग्रोसरीज, फ्रूट, वेजिटेबल, एटीएम, डेयरी, बैंक, एटीसी, फॉर फिक्स टाइम, कुछ समय के लिए, कुछ पीरियड के लिए समय को फिक्स कर दिया जाता है कि कुछ दुकानें 4 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेगी, या फिर 10 से 4 बजे तक खुलेगी, एक समय को क्या कर दिया जाता है, फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। और ये चीज़ ओपन रहता है लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं लॉकडाउन, कि लॉकडाउन कब लगाया जाता है, किस ग्राउंड पर लगाया जाता है, और लॉकडाउन और सेक्शन 144 में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लगाया जाता है, ठीक है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट दोनों लगा सकती है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने 24 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगाया था, ठीक है। तो अगर स्टेट की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा इसको लागू किया जाता है, वार्डर इश्यू किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, शटिंग डाउन फ्लाइट्स, एयर्स, ट्रेन, ऑल ट्रांसपोर्टेशन, यानी इसमें क्या किया जाता है, जो मूवमेंट होता है, ठीक है, उसको रोकने के लिए ट्रेन, फ्लाइट्स, इस सबको, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रोड्स, वे, सारा को क्या कर दिया जाता है, रोक दिया जाता है, ठीक है।
सेक्शन 144 और लॉकडाउन का जो ग्राउंड है और क्या क्या चीज़ ओपन रहेगा वो सेम होता है, ठीक है। फॉर मूवमेंट नो पास रिक्वायर्ड, अगर आप मूवमेंट करना चाहते हैं तो इसमें पास रिक्वायर नहीं है, ठीक है। आप अकेले कहीं जा सकते हैं, अगर आपको इमरजेंसी है या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो आप जा सकते हैं, ठीक है। एसेंशियल सर्विसेज अवेलेबल रहता है इसमें। कैन टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट वायलेटर, ठीक है। एनी पुलिस के द्वारा, अगर आप जो गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऑर्डर इश्यू किया जाता है, रूल लागू किया जाता है कि आप इतना से इतना देर में ही निकल सकते हैं, इतना के अंदर में आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो आपको उसके अंदर ही ख़रीदना होगा अगर आप इसको वायलेट करते हैं, ठीक है, तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है, ठीक है। ये क्यों लागू किया जाता है? ब्रेक डाउन द साइकिल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। यानी अभी जो COVID-19 चल रहा है, ठीक है, ये क्या है, ह्यूमन टू ह्यूमन जो बीमारी है फैल जाती है, ठीक है, तो इसकी जो साइकिल है उसको ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन लागू किया जाता है, ठीक है। जैसे अगर ट्रेन नहीं चलेगी तो लोग जहाँ पर है वहीं पर रह जाएगा, ठीक है, तो ये चीज़ मूव नहीं करेगा, बीमारी को ब्रेक किया जा सकता है, इसीलिए लॉकडाउन लागू किया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग कर्फ्यू को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। कर्फ्यू का जो ऑर्डर है ये इशू किसके द्वारा किया जाता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा किया जाता है। इसका भी ग्राउंड सेम होता है, जैसे सेक्शन 144 लॉकडाउन का ग्राउंड होता है उसके जैसा ही इसका भी ग्राउंड होता है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लॉकडाउन है उसे ये सीवियर होता है, बहुत गंभीर सिचुएशन पर कर्फ्यू लगाया जाता है। मैंने जैसे आपको कहा था कि सबसे छोटा भाई 144 है, उसके बाद लॉकडाउन है, उसके बाद कर्फ्यू है, यानी सबसे अगर सीवियर कंडीशन आ जाता है तब कर्फ्यू लगाया जाता है। इससे कम अगर रहता है तो लॉकडाउन, और सबसे कम अगर रहता है तो 144 लागू किया जाता है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम लोग इसको डिटेल से। स्ट्रिक्ट मेजर्स टू कीप पीपल इनसाइड, जब कर्फ्यू लगाया जाता है तो लोगों को घरों में ही बंद कर दिया जाता है, ठीक है। सिर्फ स्ट्रीट जो गली होता है उसमें सिर्फ पुलिस मूवमेंट करता है ताकि लोग घर में रहें, ठीक है, यानी लोगों को घर में बंद कर दिया जाता है, ठीक है। पुलिस परमिशन टू मूव, अगर आपको मूव करना है तो पुलिस से परमिशन लेनी होगी तभी आप कहीं जा सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन पर। वेरी लेस एसेंशियल सर्विसेज, लॉकडाउन सेक्शन 144 में हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे एसेंशियल कमोडिटीज़ आपका जो है खुला रहता था, इसमें क्या है बहुत ज़्यादा कम कर दिया जाएगा, बहुत ज़्यादा कम, वेरी लेस एसेंशियल सर्विसेज आपका जो है ओपन रहेगा, ठीक है। स्पेशल पास रिक्वायर्ड टू मूवमेंट, अगर आप कहीं जाना चाहते हैं तो आपको एक पास लेना होगा तभी आप कहीं जा सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन पर, ठीक है। ओनली इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल रहता है इसमें, ठीक है। मोर सेवियर सिचुएशन, मैंने जैसे आपको कहा कि बहुत ज़्यादा अगर सिचुएशन ख़राब हो जाता है तो कर्फ्यू लागू किया जाता है, जैसे अभी बिहार में नाइट कर्फ्यू चल रहा है, ठीक है। उसके बाद है पीपल आर इंस्ट्रक्टेड टू स्टे इनडोर्स फॉर अ स्पेसिफिक टाइम और पीरियड, कुछ समय के लिए लोगों के लिए 2 दिन 5 दिन 10 दिन, ठीक है, के लिए लोगों को कहा जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आप घर में रहें ताकि जो समस्या आई है उस समस्या से हम लोग बच सके, ठीक है। जैसे अभी COVID-19 एक ऐसी बीमारी है जो अगर पर्सन टू पर्सन छूने से फैल जाती है, तो इसको ब्रेक करने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है, ठीक है, नाइट कर्फ्यू अभी बिहार में चल रहा है, ठीक है। तीनों जो यहाँ पे है आपका सेक्शन 144 लॉकडाउन एंड कर्फ्यू, तीनों में अगर गवर्नमेंट चाहती है, ठीक है, कि हम इंटरनेट को बैन कर दे, ब्लॉक कर दे, तो ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। कर्फ्यू में बहुत सारे एसेंशियल सर्विसेज को भी बंद कर दिया जाता है, जैसे बैंक हो गया, पेट्रोल पंप हो गया, ठीक है, इस सब चीज़ को बंद कर दिया जाता है, ठीक है। ये तीनों सेक्शन 144 लॉकडाउन कर्फ्यू तीनों किस लिए लागू किया जाता है? ताकि क्या किसी भी स्थान में शांति बहाल किया जा सके,
ठीक है, अगर कोई चीज़ लोगों को दिक्कत देने वाली है उस चीज़ को रोकने के लिए सेक्शन 144 कर्फ्यू लॉकडाउन लगाया जाता है, ठीक है। इसको 2 महीने के लिए सबसे पहले लागू किया जाता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है तो इसे 6 महीने के लिए शुरू से लेकर 6 महीने तक लागू कर सकती है, ठीक है, इससे ज़्यादा लागू नहीं कर सकती है। इफ़ द पर्सन गेट एडवर्सरियल द पुलिस डज हैव द राइट टू अरेस्ट देम अंडर सेक्शन 269 एंड 270 IPC इंडियन पैनल कोड के तहत उसको अरेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। और सेक्शन 271 जो है इसके तहत अगर कोई क्वारंटीन में है, ठीक है, और वो क्वारंटीन को जो है छोड़कर भाग जाता है तो इसके तहत उसको सजा दिया जा सकता है। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.